वो जो सीधा आगे रास्ता जाता है वो जाता है तिब्बत, तिब्बत रोड है, बॉर्डर तक वो रास्ता जाता है। पहुँचे हैं कल्पा से थोड़ा सा दूर, यहाँ से पैदल जाएंगे कल्पा के लिए। और ये एक अंकल जी थे, उन्होंने हमें थोड़ा लिफ्ट दिया था। और ये आप देख सकते हैं, ये होटल्स यहाँ पे कल्पा में अंकल जी ने बताया कि ये जो है यहाँ पे बढ़िया से बढ़िया होटल इस लेन में आपको मिलेंगे। यहाँ पे सामने भी होटल है, अगर आप रुकना चाहें तो इस जगह पर आ सकते हैं। व्यू अच्छा है यहाँ से चारों तरफ का, सामने की पहाड़ियाँ और इस साइड। तो अभी हम जाएंगे कल्पा की तरफ, यहाँ से पैदल। ये रास्ता जो है ये दूसरा है, ये नीचे से एक टर्न हो जाता है कल्पा के लिए डायरेक्ट, लेकिन अंकल जी ने बोला कि आप इस वाले रास्ते से पैदल जाइए कल्पा के लिए, तो आपको व्यू अच्छा मिलेगा और ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए मिलेंगी। हम जा रहे हैं और ये देखिए, ये होटल है, ये भी होटल है। यहाँ पर भी आप रुक सकते हैं, जितने भी बोर्ड्स लगे थे होटल्स के वो सारे हमने आपको दिखा दिए। तो अभी आगे चलते हैं इस रास्ते से। ये देखिए, यहाँ पे बर्फ़ भी पड़ी हुई है, जम चुकी है बर्फ़। तो क्या है ये, पानी जम गया है। देखिए ये जो है ना, गाड़ियाँ स्लिप करती हैं, लेकिन इतना ज़्यादा बर्फ़ नहीं है। अगर वही यहाँ पे अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा बर्फ़ होता तो गाड़ियाँ स्लिप करती हैं, तो उस टाइम ट्रैवल करना थोड़ा मुश्किल है। और उस टाइम आप भी थोड़ा रिस्क मत लीजिए, लोकल अगर कोई ड्राइवर साथ में हायर कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये एक और होटल और रेस्टोरेंट के लिए रास्ता जा रहा है। इस होटल का नाम है दी होटल वाइल्ड ट्रेल एंड रेस्टोरेंट। आप यहाँ पे नंबर भी नोट कर सकते हैं अगर आपको प्री बुकिंग करनी है, ईमेल भी है और इनकी तो वेबसाइट भी है। बहुत ही अच्छी बात है यार, बहुत ही अच्छी बात है। तो जैसे जैसे टूरिज्म बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे लोग भी टेक से भी होते जा रहे हैं, इंटरनेट से भी होते जा रहे हैं। तो सब कुछ ईमेल्स एंड वेबसाइट्स सब ने लॉन्च करके रखी हुई हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये रास्ता देखिए, ये जंगल से होता हुआ जाता है और बहुत ही ठंडी है यार, बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है मुझे यहाँ पे। तो चलिए आपको दिखाते हैं आगे। टिल देन साइनिंग ऑफ, बाय बाय। और हाँ गाइस, एक बात मैं आपको बताना भूल गया, जहाँ पे अभी हम पीछे रुके थे उस जगह पे जो एक चौक टाइप जो था जहाँ पे हमें उतारा था अंकल जी ने, तो वो जो सीधा आगे रास्ता जाता है वो जाता है तिब्बत, तिब्बत रोड है, बॉर्डर तक वो रास्ता जाता है। और अंकल जी ने अपनी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ हमें बताई कि कई बार मैं भी वहाँ तक जाता हूँ। वैसे तो अलाउ नहीं है वहाँ पे जाना, लेकिन ये लोकल लोग हैं और साथ में इनका कुछ काम रहता है, ये फूड सप्लाई करते रहते हैं बॉर्डर तक, तो उसके लिए इनको कभी कभी जाना पड़ता है। तो ये नीचे वाला आप रोड देख रहे हैं ना, और ये वाला जो रोड देख रहे हैं ये वहाँ पे चौक में मिलता है, और वो सीधा जो है आगे तिब्बत के लिए जाता है, स्पीलो जाता है, उसके बाद तिब्बत के लिए जाता है वो रोड। तो उन्होंने ऐसा बताया चाइना बॉर्डर पे, तो वो अपनी स्टोरीज़ बता रहे थे कि वहाँ पे कैसे चाइनीज़ आर्मी होती है, और बहुत सी चीज़ें उन्होंने शेयर की हमारे साथ। तो बहुत अच्छा लगता है गाइस ऐसे लोगों से, लोकल लोगों से ऐसे मिलना बहुत ही अच्छा लगता है, और उनकी स्टोरीज़ और उनकी मतलब जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उनको सुनने में बहुत मज़ा आता है। तो वही था, थोड़ा सा डिस्टेंस हमने उनके साथ ट्रैवल किया, लेकिन कहानियाँ उन्होंने इतनी रोमांचक बताई कि क्या बताई। तो ये देखिए, नीचे देखिए जंगल है ये सारा,
और बहुत ही मतलब शांति है, बहुत ही पीसफुल है और एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है। ये देवदार के पेड़ यहाँ पे, धूप भी बड़े मुश्किल से यहाँ पे पहुँच रही है और मुझे बहुत ही ठंड लग रही है अभी, इसलिए अभी मैं बंद कर रहा हूँ। तो ये इस रास्ते से हम जा रहे हैं, ये जो रास्ता है सुनसान एकदम। यहाँ पे ट्राई करिएगा रात को मत आए, भूत भी पकड़ सकता है। मजाक कर रहा हूँ यार। ये देखिए मैप ऑफ वन बिहार कल्पा, वन परिक्षेत्र कल्पा, वन मंडल किन्नौर हिमाचल प्रदेश। एक रिजॉर्ट ये भी है, रॉयल रिजॉर्ट कल्पा, इसका आप नंबर नोट कर लीजिए। तो यहाँ से जो है दो रास्ते हैं गाइस। अब ये वाला जो ऊपर वाला रास्ता है ये कहाँ के लिए है, कहाँ पे लिखा है? ये ऊपर वाला रास्ता रोगी के लिए जाता है और नीचे वाला शायद कल्पा के लिए। ट्राई करेंगे नीचे वाले रास्ते से हमें मिल जाए। और ये है वो रॉयल रिजॉर्ट, बंद पड़ा हुआ है लगता है। बहुत ही ज़्यादा ठंड, हाय। तो ये हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग PWD गेस्ट हाउस विश्राम गृह एक यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी आके आप बुकिंग कर सकते हैं या आपको वेबसाइट पे नंबर मिल जाएगा। और ये वाला जो रास्ता है ये कल्पा मंदिर के लिए, ये गांव से होता हुआ जाएगा कल्पा मेन, तो ऐसा कुछ रास्ता है। ये देखिए ये चीज़ बहुत ही अच्छी की हुई है यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हैं ना ये छोटी सी नहर जो बनाई हुई है, ये पानी ऊपर से आ रहा है, ये बर्फ़ पिघलने से जो पानी इकट्ठा होता है उस पानी को यार बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने मतलब यूज़ के लिए एक छोटी सी नहर बना के रखी हुई है ताकि पानी यूज़ किया जा सके। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर देखी, और यहाँ पर टैंक्स बनाए हुए हैं, जो भी पानी ऊपर से पहाड़ों से पिघल के आता है बर्फ़ से तो उसको एक जगह पे स्टोर किया जाता है। यहाँ पे बहुत से टैंक्स भी हैं। और ये देखिए ये व्यू देखिए यहाँ से, ये नीचे गांव, और ये जो है गांव का व्यू है सारा यहाँ से देखिए। और देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ हैं यार, ऊपर 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 देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ हैं। और ये सीधा आगे रास्ता जो है कल्पा के लिए जाएगा, तो इसी को फॉलो करते हुए आगे चलेंगे हम।